नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख और मेरे साथ है डॉक्टर हर्ष व्यास। नमस्ते। हमें कई बार तीसरे दिन पे एक माँ का फोन आता है कि सर, एक दो तीन दिन से थोड़ी तकलीफ है, बच्चे को खांसी है, सर्दी है, लूज मोशन भी होते हैं, लेकिन मैं इतनी घबराई हुई नहीं थी क्योंकि दादी ने बताया कि ये तो दांत के ही है, दांत की खांसी, दांत की सर्दी, दांत के लूज मोशंस, ये सब था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी कंडीशन और ख़राब हो गई है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली हमें पूछा जाता है और हम हर बच्चे की माँ को यही बताते हैं कि ये दांत के जो दांत की बीमारियाँ रहती है वो बीमारियाँ दांत की एक्चुअली नहीं है। तो डॉक्टर हर्ष आज हमें बताएंगे कि ये क्या कारण है जिससे ये होता है, क्या ये दांत से रिलेशन में है या नहीं है और हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए। ये कॉमन वहम है कि जब दूध के दांत आते हैं तब बच्चे को सर्दी या बुखार या जुलाब भी होता है। अक्सर क्या होता है कि जब दांत आते हैं तब मुंह में बच्चे को खुजली होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, और वो दर्द जो है वो ओवरकम करने के लिए वो बच्चा जो है जो भी ऑब्जेक्ट हाथ में आ जाता है वो मुंह में डालते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स जो कॉमनली जो डालते हैं वो मम्मी की बैग की स्ट्रैप या पिताजी का मोबाइल या जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाथ के पास है वो मुंह में डाल देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये काफ़ी अनक्लीन या गंदे रहते हैं और उस वजह से बैक्टीरिया जो है वो पेट में चले जाते हैं। इस वजह से ये दूध के दांत के जब आते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि ये कारण है कि बच्चे को सर्दी या बुखार या जुलाब होता है। आपके बच्चे की सही परवरिश के लिए अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमारी चैनल चाइल्ड एंड यू से जुड़िए। लिव नाउ लिव हेल्दी, सिर्फ सुश्रुता के साथ। आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए हमारे ये ईमेल एड्रेस पे लिखिए या ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए।